इटरेटिव स्टेप्स फॉर क्लोजिंग, ऐसे स्टेप्स अगर आपने उनको फॉलो कर लिया, आई एम डैम श्योर आपको सेल्स एक्सपर्ट बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप इतनी अच्छी क्लोजिंग निकालोगे डेली की कि आप खुद बोलोगे कि हाँ अब मेरा सेल्स का कन्वर्जन बहुत अच्छे लेवल पे जाना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे स्टेप्स जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, उनको फॉलो करके मैंने लाखों रुपये का पैसा कमाया भी है और मैं कमा भी रही हूँ। उन्हीं स्टेप्स को आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि मेरे कॉमेंट्स भर चुके हैं कि मैम लाइक हमारा कन्वर्जन नहीं निकल रहा, हम बहुत बेहतरीन तरीके से लीड को प्लान समझाते हैं उसके बावजूद हमारा कन्वर्जन नहीं निकल रहा। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सेल क्लोज करने के पर्सनल स्टेप्स बताने वाली हूँ। अगर आपने उन स्टेप्स को फॉलो कर लिया, आई एम डैम श्योर कन्वर्जन निकलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट है, काफी मेंबर्स मुझे बोलते हैं कि हमारे पास मैम लीड्स आती है, भर भर की लीड्स आती है, बट जब हम उनको प्लान समझाते तो हमारा कन्वर्जन नहीं होता। गाइस, कन्वर्जन ना होने का सबसे बड़ा एक रीज़न बताऊं, आपके पास पूरी कंपनी का डाटा है, लाइक हाँ ये हमारी कंपनी है, कंपनी यहाँ पे स्टेब्लिश है, ये हमारी कंपनी की सर्विस है, आपने लिख रखा है। आप क्या करते हो, सिंपल सी प्रोसेस यहाँ पे कॉपी करते हो, लीड के पास जाके पेस्ट कर देते हो। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, प्रैक्टिकल समझाते हो। लेट सपोज आप एक लीड हो और मैं एक अफिलिएट हूँ या फिर एक नेटवर्क मार्केटर हूँ, आप मेरे पास आते हो तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो आपसे थोड़ा बहुत आपके बारे में जानती हूँ और डायरेक्टली मैं आपको बताती हूँ ये हमारी कंपनी है बड़ी, ये हमारी कंपनी की सर्विस है, ऐसे आप हमारी कंपनी में वर्क करके अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो, बात खत्म। क्या आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करोगे? देन आंसर इज नो। सो इट मीन्स डोंट ऑफर योर सर्विस टू योर कस्टमर। आपको डायरेक्टली कस्टमर को अपनी सर्विस पिच नहीं करनी है। कोई भी आज के टाइम पे बिकना पसंद नहीं करता है, कोई भी खरीदना भी पसंद नहीं करता। देखो, सामने वाला पर्सन आपके पास आया है, ऑब्वियसली बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए है, बट वो इतना सीरियस नहीं है। हमको उसको सीरियस बनाना होगा, उसके इंटरनल पेन को बाहर निकालना होगा सबसे पहले। देखो, और इसको डीप में एक्सप्लेन करती हूँ। लेट सपोज आप मेरे पास आए, सबसे पहले तो मैंने आपके बारे में जाना, आप क्या करते हो, आपका मेन मोटो क्या है बिजनेस को स्टार्ट करने का, आप पैसा क्यों कमाना चाहते हो, फिर आपका एक इंटरनल एक पेन है जो आप मेरे सामने बताओगे कि मैम ये रीजंस है जिसकी वजह से मैं पैसा कमाना चाहता हूँ या कि मैं पैसा कमाना चाहती हूँ। तो कहीं ना कहीं देखो, आप मेरे से इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो। इमोशनली कनेक्ट का मतलब है, देखो हम किसी का अपना इंटरनल पेन है ना, उसी पर्सन को शेयर करते हैं जिसको हम अपना मानते हैं या फिर क्लोज समझते हैं। तो इट मीन्स आपके बीच में, मेरे बीच में एक कनेक्शन बिल्ड हो चुका है, एक ट्रस्ट फैक्टर, एक ट्रस्ट बन चुका है, जिसकी वजह से उसको लेके, उस पेन पॉइंट को लेके मैं आपको अपनी सर्विस पिच करूंगी। कैसे पिच करूंगी? सबसे पहले आपके बारे में जाना, आपके बारे में पहचाना थोड़ा सा कि हाँ आप चाहते क्या हो, आप क्यों करना चाहते हो, आपका मतलब एक तरीके से आपका जो पेन पॉइंट है ना वो मैंने कैच किया। कैच करने के बाद में मैं अपनी सर्विस को आपके सामने पिच करने वाली हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि कैसे आपकी प्रॉब्लम हमारी सर्विस के थ्रू खत्म हो सकती है और कैसे आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। देखो गाइस, सेल्स के अंदर ना एक पॉइंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है, दैट इज कनेक्ट विथ इमोशनली। आपको सामने वाले पर्सन के साथ इमोशंस के साथ कनेक्ट होना है, फीलिंग्स के साथ कनेक्ट होना है। अगर आप कस्टमर के साथ फीलिंग और इमोशंस के साथ कनेक्ट हो गए ना, मैं श्योरिटी दे रही हूँ आपको, आई प्रोमिस आपका कन्वर्जन कोई भी नहीं रोक सकता। सामने वाले पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सोल्यूशन देना है। आपकी कंपनी क्या है उसको उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज का खासतौर पर ध्यान रखना। नंबर सेकेंड पॉइंट, बी कॉन्फिडेंस व्हाइल टॉकिंग। जब आप लीड से बात कर रहे हो ना, आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ लीड से बात करना है। ऐसा नहीं है लीड से बात कर रहे हो आपकी खुद की वॉइस थोड़ी डाउन है, वो एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। जब लीड से बात करती हूँ ना, ट्रस्ट मी, मेरा एनर्जी लेवल बहुत अप लेवल का रहता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एकदम घरराने वाली आवाज़ में बात कर रही हूँ, नहीं, एकदम डाउन बात कर रही हूँ, नहीं, एकदम नॉर्मल बात करती हूँ, मतलब ट्यूनिंग को मैच करती हूँ मैं। सामने वाला पर्सन अगर थोड़ा सेड है तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करूँगी। सामने वाला पर्सन थोड़ा हाइपर होकर बोल रहा है या फिर खुद एनर्जी होकर बात कर रहा है तो मैं भी उसको उसी ट्यूनिंग के अकॉर्डिंग उससे बात करने वाली हूँ। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना, बी कॉन्फिडेंस व्हाइल टॉकिंग। नंबर थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्स के अंदर, दैट इज रिलेट द सिचुएशन, रिलेट द पॉइंट्स। सामने वाला पर्सन आपको जो भी पॉइंट्स बताता है, लाइक क्यों वो इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है, उसको क्यों नीड है इस बिजनेस की, उसके आगे की फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, गाइस आपको क्या करना, रिलेट करना है, खुद की सिचुएशन के साथ भी रिलेट करना है, साथ ही साथ में आप उसको एक स्टोरी टेलिंग, एक होता है ना स्टोरी टेलिंग, सामने वाले पर्सन को कोई भी एक स्टोरी बना के आपको सामने वाले को बताना है। कैसे बताना है, एग्जांपल से बताती हूँ। लेट सपोज आप मेरे पास आए, आपने बोला कि मैम एक्चुअली मेरी फाइनेंशियली कंडीशन, घर की कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं है। मैं बोलूंगी, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, मैं नाम के साथ बोलूंगी, लेट सपोज आपका नाम है सुमित, तो मैं बोलूंगी सुमित एक बात बताऊं,
जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, मेरा सबसे बड़ा रीजन ये था सुमित कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन भी ना ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा वीक थी, तो मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म की नीड थी जिससे मैं भी अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकूँ। सो आपकी मेरी सिचुएशन सेम सी है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप मेरे ऑन कॉल व्हाट्सअप पे आओ, मैं आपको कुछ आपसे रिलेटेड होने वाले फीडबैक्स मैं आपको शेयर करती हूँ। आप ही जैसे एक पर्सन था जो कुछ टाइम पहले मेरे पास आए थे, यही बोला सेम आपके जैसे वर्ड्स थे, उनकी भी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बेकार थी। आज वो मेरे साथ काम करके कितनी इनकम को जनरेट कर रहे हैं ना सुमित, आप व्हाट्सअप पे आओ, मैं आपको लाइव शेयर करती हूँ। ऑन कॉल उनको व्हाट्सएप पे बुला के फीडबैक शेयर करूंगी। देखो, सामने वाले पर्सन को पहले आपको ये बताना होगा कि क्यों आपको करना चाहिए, कैसे हमारा प्लेटफॉर्म आपकी लाइफ चेंज करेगा। देखो, रटी रटाई चीजें नहीं बतानी है। मैंने काफी सारे एफिलिएट मार्केटर, नेटवर्क मार्केटर्स को देखती हूँ, वो प्लान तक नहीं बताते भाई प्लान क्या है। सामने वाले के साथ फीलिंग्स के साथ एंड इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं, अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, उसका फ्यूचर दिखाते हैं, उसका पेन पॉइंट पकड़ के उसका सोल्यूशन देते हैं, बात खत्म, इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। सो इन्हीं पॉइंट्स पे आपको काम करना है, आई एम डैम श्योर आपका तगड़ा कन्वर्जन निकलेगा अगर आपने इन पॉइंट्स पे काम कर लिया। एंड गाइस, अगर आपको सेल्स में दिक्कत आ रही है ना, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग एक सीरीज मैंने रेडी की है, एक प्लेलिस्ट मैंने रेडी की है जो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको भी आप देखो, जिसके थ्रू आपकी बहुत अच्छी सेल्स निकलने वाली है। और अगर आप एक अफिलिएट मार्केटर हो, भले आप एक नेटवर्क मार्केटर हो, अगर आप एक सेल्स फील्ड में हो, आपके पास लीड्स नहीं आ रही है, और अगर आपके पास कन्वर्जन का सेल्स क्लोज करने का एक प्रॉपर रोडमैप नहीं है, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक भी मिलेगा, साथ साथ में मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेगा। इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करके आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करो, मैं आपको काफ़ी सारी ऐसी टिप्स बता सकती हूँ जिसके थ्रू आप सेल्स के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो, बहुत ही तगड़ा रोल प्ले कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको मेरे पॉइंट अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बता देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। एंड हाँ, अगर आपको सेल्स में कोई भी दिक्कत आ रही है तो भी आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हो कि मेरी ये दिक्कत आ रही है, उसके ऊपर आप सभी के लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी। सो लव यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।